ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज वर्ष के 18वां रविवार में प्रभु येसु हम सबों को आमंत्रित करते हैं, चाहे हम जो कोई भी हो, अमीर, गरीब, मजदूर या फिर समाज से बहिष्कृत लोग, हमें ईश्वर के दयालुता के लिए उन पर कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। हमारी मानवीय भूख और प्यास जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है, लेकिन जब हम लालची और स्वार्थी हो जाते हैं तब हम अपने और दूसरों के लिए विनाश का कारण बन जाते हैं। प्रभु येसु को धारण करो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, क्योंकि येसु ने पुराना शरीर को जो पाप है उसे नष्ट कर चुका है। अपने जीवन में नया शरीर जो येसु है उसे धारण करो। येसु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8 में अपने शिष्यों को याद दिलाते हैं, जो तुम्हें मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में दूसरों को दे दो, रोगियों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो। शिष्यगण आश्चर्यचकित थे कि उनके अंदर अत्यंत परिवर्तन आ गया था। कुछ शिष्य रोगियों को चंगा कर सकते थे, कुछ तो शांति लाने में सामर्थ्य थे और अन्य कुछ शिष्य परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। येसु ने उनकी आँखें खोल दी थी ताकि वे ईश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकें। वे परमेश्वर के महान कार्य में भागीदार बन गए थे। आज जब सारी दुनिया कोविड-19 महामारी से पीड़ित है, ईश्वर द्वारा भेजे गए फरिश्ते, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाईकर्मी, वॉलंटियर्स बिना डरे पीड़ितों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग घर पर बैठकर सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश सभी के हैं, लेकिन हम अपने बीच में बड़ी विभाजन को भी देखते हैं। हर 4 मिनट में दुनिया में कहीं ना कहीं हजारों लोग बीमार और भूख से मर जाते हैं। कुछ लोग वास्तव में उदार हैं, लेकिन कुछ लोग इस निराशजनक स्थिति में भी पैसा कमाने का अवसर ढूंढते हैं। दया, सहानुभूति, प्रेम, यह सब ईश्वरीय गुण हैं। इस महामारी के समय हमने देखा है आम इंसान एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उनके पास जो भी थोड़ा सा खाने पीने का सामान है एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सड़कों पर कई गरीब बेबस लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्या सच है कि उदार लोग हमेशा बिना किसी विज्ञापन के सभी जगह में सेवा करने पहुंच जाते हैं? वे सोशल मीडिया में कभी दिखाई नहीं देते, ना ही सेल्फी लेना पसंद करते हैं। ईश्वर भूखों के पेट भरने के लिए दयालु भाई बहनों को चुनते हैं। हम सुसमाचार में देखते हैं येसु उनके पास जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी उसे लिया और हजारों लोगों को संतुष्ट होने तक खिलाया। 5,000 लोगों को भोजन खिलाना ईश्वर की उल्लेखनीय उदारता और जरूरतमंदों के प्रति उनकी अनुकंपा को दर्शाता है। जब परमेश्वर देता है तो वह बहुतायत से देता है। वास्तव में हमारी भूख और लालसा को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? येसु जहाँ भी जाते थे लोगों की भीड़ उससे मिलने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। येसु के पास क्या था जो इतनी बड़ी भीड़ उनके पास खींची चली आ जाती थी? क्या वे येसु के पास इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें शारीरिक चंगाई और भूख मिटाने के लिए भोजन मिलता था?
वहाँ कई लोग ईश्वर के लिए भूखे थे। कुछ लोग जो रोजाना मिसा बलिदान में भाग लेते थे, इस महामारी के दौरान मिसा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति खो दी है। आज प्रभु यीशु याद दिलाते हैं कि ईश्वर का राज्य आज भी हमारे बीच है। आज भी ईश्वर का कार्य नए सिरे से आशा और उम्मीद जगा रही है। लोगों को पापों और दुख पीड़ा से बचाने के लिए प्रभु आज भी हमारे पास आते हैं। हमारा प्रभु कभी नहीं सोता है, वह अपने बच्चों की देखरेख करता है। वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब यीशु और उनके 12 शिष्य गलीली झील के किनारे विश्राम के लिए एकांत स्थान की तलाश में पहुँचे, तो वहाँ पहले से ही हजारों संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। क्या यीशु इस पर नाराजगी जताई? नहीं, यीशु ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। यीशु ने उन्हें प्रवचन दिया और कई बीमार लोगों को चंगा किया। या ईश्वर का मनुष्य के प्रति अगाध प्रेम है। आज की सुसमाचार, 5,000 लोगों को भोजन देना हमारे लिए अपने हृदय को बदलने के लिए एक आमंत्रण है। यीशु सभी को खिलाने में सक्षम है, पर वह चाहते हैं कि हम हर एक जन इस चमत्कार में उनके साथ भागीदार बने। क्या मैं ईश्वर के कार्य के लिए मेरे पास जो भी है बांटने के लिए तैयार हूँ? 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ बहुत कम है, लेकिन यह चमत्कार का हिस्सा था। उसी तरह हमें कई सामर्थ्य, चाहे वह भोजन या कोई और वस्तु हो सकती है, हमारा ज्ञान या बुद्धि हो सकता है, जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हमारे देश में हर तीसरा व्यक्ति भूखा सोता है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूँ? इस महामारी के दौरान ज़रूरतमंदों के साथ बांटने के लिए यीशु हमें आमंत्रित करते हैं। असीसी के सेंट फ्रांसिस कहते थे, दूसरों को देने में हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें सच्चे मन और हृदय की ज़रूरत है, जिससे ज़रूरतमंदों तक हम पहुंच सकते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं और बीमारों को चंगा करते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप मसीह के कार्य में भागीदारी बन चुके हैं। आप ईश्वर के कार्यकर्ता बन चुके हैं। लेकिन जो भी हम अच्छे कार्य करें, उस पर गर्व ना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, आपका दाहिना हाथ क्या नहीं जानता है कि आपका बायां हाथ क्या कर रहा है। आइए हम अपने दिल को खोलें और दुखी बीमारों की सेवा करें। अपने करुणा, दया और उदारता को प्रकट करने का यही सही समय है। जब हमारे चारों ओर लोग भूख और बीमार से पीड़ित हैं, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज मुझे उदार हृदय प्रदान कर, ताकि मैं खुले दिल से मेरे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांट सकूं।